बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मेरे हार्ट के पेशेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं वो ये है कि जिनको भी पहले से हार्ट की समस्या है उन पेशेंट्स को इन सर्दियों में क्या विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा नाम है डॉक्टर अंशुल गुप्ता, मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर। मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सर्दियों में किस तरीके से अपने हार्ट का ख्याल रखें, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो ऑलरेडी हार्ट वाली बीमारियों से गुजर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर्दियों में बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, फिजियोलॉजिकली बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा फूड। भोजन में हम कई बार बहुत ज़्यादा ऑयली फूड कंज्यूम करने लगते हैं जिससे हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, या हम बहुत हाई कैलोरी डाइट लेने लगते हैं, आलू के पराठे, बहुत सारा नॉन वेज या बहुत सारी शादियों में खाना खाना। ऐसे में हमें ऑयली फूड स्पेसिफिकली अवॉइड करना है, बहुत हाई सोडियम रिच यानी नमक बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा घी तेल वाली तली हुई चीज़ों को नहीं खाना है, जो एक नॉर्मल सिंपल खाना है उसको खाना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सलाद ये सारी चीज़ों को डाइट में हमेशा इंक्लूडेड रखना है। ओके, दूसरी ओर अगर हम बात करें एक्सरसाइज काफ़ी हद तक कम हो जाती है इन सर्दियों में क्योंकि हम बाहर नहीं निकल पाते, हमारी वॉक वगैरह सब कुछ बंद हो जाती है। तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि अपनी एक्सरसाइज को सर्दियाँ आने पर सडनली नहीं रोकना है, अचानक से बंद नहीं कर देना है। अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको आप अपने घर के अंदर कोशिश करें कि वो एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखें, चाहे वो एक वॉक के रूप में हो या योगा के फॉर्म में हो। अगर आप घर में नहीं कर पाते हैं और घर से बाहर जाना चाहते हैं वॉक के लिए तो तभी निकलें जब थोड़ी सी धूप निकलने लग जाए, क्योंकि सर्दियों में अर्ली मॉर्निंग के टाइम में बाहर निकलना थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि हार्ट अटैक और इन सब की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। और अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको बाहर निकलना ही है तो अपने आप को पूरा कवर करके निकलें, जैसे हम मफलर्स, कैप, हाथों में ग्लव्स, पैरों में मोज़े, ये सारी चीज़ें पहनकर अपने को अच्छे से कवर करके और फिर बाहर निकलें ताकि हमें उस ठंडी चीज़ों का सामना ना करना पड़े। दूसरी ओर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारी दवाइयाँ। जिन भी पेशेंट्स की दवाइयाँ ऑलरेडी चल रही हैं उनको बंद नहीं करना है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, हार्ट अटैक से संबंधित खून पतला करने की दवाइयाँ हैं या कुछ और सपोर्टिव मेडिसिन हैं। जिस डोज़ में आप ले रहे हैं उसी डोज़ में उन दवाइयों को पूरी नियमित रूप से आपको कंटिन्यू करना है। ये थोड़ा सा हाई रिस्क फेज़ होता है सर्दियों का, उसमें आपको दवाइयाँ बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, स्पेशली खून पतला करने की दवाइयाँ। अक्सर हमने देखा है कि सर्दियों में ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी लोग घर पर हैं वो घर पर ही ब्लड प्रेशर को नाप सकते हैं। ब्लड प्रेशर को नाप के यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो अपने डॉक्टर से बात करें, उनको दिखाएं और उन दवाइयों में कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो वो दवा के एडजस्टमेंट करवाएं। डॉक्टर से कंसल्टेशन आप बीच बीच में लेते रहें। अगर सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं अपने डॉक्टर के पास, उनसे फ़ोन पर कंसल्ट करें, उनसे ऑनलाइन आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। या अगर आपको कभी कोई गंभीर सिम्टम्स जैसे कि चेस्ट पेन, सांस फूलना, अचानक से घबराहट, पसीना, चक्कर आना, बेहोशी हो जाना, इस तरीके की अगर कोई महत्वपूर्ण सिम्टम्स जो कि हम डेंजर साइंस बोलते हैं वैसा अगर कुछ लगे तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को संपर्क करें, अपनी दवाइयों को कंटिन्यू रखें। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि विंटर्स में योर हार्ट रिक्वायर्स मोर केयर।